Oh, yeah. Very good afternoon. Once again, I am Nitish with here, having so many usage of preposition. Today, I'll discuss about the various usage of preposition in the practice session. It is today practice session. So come on, fast. I'm here once again with you all students. Due to your support, I come daily live. So once again, come on, fast. Fast, come on, fast. So, how many students once again? Rakhi Kumari, Aditya Raj, Prapul Kumar, Sarita Kumari, Alok Raj, Suraj Priyadarshi, Alok Raj, Sibam, Sravani Sri. All of you, very good afternoon. Very, very good afternoon. Yes, sound sahi hai ji, fatapat batao. Yes, fatapat likho. फटाफट बताओ साउंड सही है ना एकदम फास्ट बताइए साउंड नहीं आ रहा है साउंड दिया नहीं था ठीक है तो फटाफट बताइए श्रावणी श्री आलोक सूरज प्रियदर्शी राखी कुमारी प्रफुल्ल कुमार राजा भाई अरुण कुमार सिंह जी फटाफट आप बताइए साउंड सही है ना फटाफट यस जागे हो ना अरे जागे हो तो फटाफट लिखो ना फास्ट टाइप करो जी वेल एकदम फास्ट बताइए सही है ना साउंड अरे कुछ तो लिखो ताकि मुझे पता चले अरे बताओ ना जल्दी फास्ट कोई प्रॉब्लम है जी फटाफट यस सर अच्छा यस सर चलिए ठीक है मुझे हाँ जी सर साउंड नहीं आ रहा है जी नो सर अरे साउंड सही है ना फटाफट बताइए साउंड सही है तो लिखो यस सर
फटाफट साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, नो सर। देखिए भाई साउंड, यस सर लिख रहे हैं, देखिए साउंड सही है, चलिए बताते हैं, आ रहा है ग्रामर गुरु आ रहा है, यस सर चलिए जी फटाफट। तो आज ना आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन होगा, ये फटाफट आपके पास काफी सारे यूजेस बताया था, काफी सारे यूजेस भी बताए, ठीक है, तो काफी सारे यूजेस बताया, तो क्या है ना कि आज हम बारी बारी से सबका एक एक पार्ट का प्रीपोजिशन का यूजेस करेंगे। अगर मेरा एक रिक्वेस्ट अगर मानते हो तो थोड़ा सा ना आज कॉपी ओपन कर दो, अगर आपके पास अवेलेबल है ना तो कॉपी को खोल लेना, कॉपी को, ठीक है, क्योंकि ना आज अंबार लगने वाला है प्रीपोजिशन का, एकदम अंबार लग जाएगा आपके कॉपी में प्रीपोजिशन का। बारी बारी से 10-10 एग्जांपल 5 times करवाने वाले फटाफट, है ना, 5-6 जितना हो सकता है वो हम करवाएंगे, तो फटाफट क्योंकि आज काफी सारे यूजेस मैं बता चुका था, तो आज मेरा मन हुआ कि आज मुझे प्रैक्टिस सेशन करवाना है, तो प्रैक्टिस सेशन में मैं हूं, तो फटाफट सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेशन होगा विद फ्रॉम और वाई का फटाफट, उसके बाद करवाएंगे नियर बिसाइड बिसाइड्स का, एंड देयर आफ्टर वी विल गो थ्रू अप डाउन अप एंड बिलो, एंड देयर आफ्टर इन इनटू इनसाइड अपॉन, एंड देयर आफ्टर वंस अगेन इन सेंस फोर एंड आफ्टर। तो ये सब सारा काम कहीं ना कहीं करवाने वाले हैं फटाफट, उसके बाद हम करवाएंगे फटाफट, देखना क्या, उसके बाद भी आपका जो प्रीपोजिशन जो होगा वहां पर हम करवाएंगे, जैसे लिखाएंगे अलोंग का, अक्रॉस का, है ना, फटाफट। नेक्स्ट आपका जो प्रीपोजिशन करवाएंगे वहां पर भी करवाएंगे फटाफट, देखना नेक्स्ट जो होगा वहां पर लिखेंगे फ्रॉम का ले लेंगे, है ना, और उसके बाद हम ले लेंगे थ्रू का, थ्रू का, है ना, फटाफट। तो फ्रॉम है, थ्रू है, इसका यूजेज आज बताएंगे, थ्रू का यूजेज आज बताएंगे, बीनीथ का यूज आज बताने वाले, बीनीथ का, इसका आज बताने वाले, बीनीथ का, थ्रू का, तो 3-4 यूजेस आज भी फिर से बताने वाले फटाफट। तो क्या है ना कि सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन में, तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आप तैयार हो जाओ, आप सब रेडी हो, तो फिर से आप सब रेडी हो, ऑन ऑन टू, क्या बात है यार, हिला के रख दिया यार, ठीक है, अब बता देते हैं थोड़ा सा, कोई लिख दिया भाई, कौन लिखा है जी, आलोक राज लिख रहे हैं ऑन और ऑन टू, चलो आलोक आपका प्रॉब्लम हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, अच्छे से देखना, फिर से देखना, बहुत बढ़िया सा बोला है तो बता ही देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बंदा बड़ा संदेह में रहता है, चलिए ठीक है, देखो जी अच्छे से देखना, ये कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, और ये बाय द वे कोई चीज है यहां पे ऊंचाई पर है, तो जब हम ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो अप लिखते हैं, कब, जब मोशन के साथ, मोशन के साथ हम ऊपर जा रहे हैं तो अप लिखते हैं, और यहां से जाकर के यहां बैठ गया, तो जब यहां से बैठा यहां पे तो हो गया अप और ऑन, अच्छे से सीखना, बढ़िया से सीखना, ये यहां पे आपका सरफेस है, तो यहां पे सरफेस के लिए ऑन, ठीक है, ऊपर गया तो आप, और मोशन के साथ यहां बैठ गया तो हो गया आप ऑन, इस रूप में देख लो, यहां से ये गया आप, यहां से आया ऑन, तो अप प्लस ऑन इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ऑन, समझ आ रहा है, अब की है एक है ऑन और टू, देखो क्या है ना, टू मतलब होता है ना गति के साथ आगे बढ़ना, गति के साथ आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, और ऑन, ऑन मतलब होता है पर या तर जिसको भी कहते हो, ठीक है, पर, तो गति के साथ जब ऑन आगे बढ़ता है और कहीं पर जाकर के बैठ जाता है यहां पर, आगे यहां से चला आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के यहां पे आ गया, तो हो गया अप प्लस ऑन, सॉरी ऑन और प्लस टू, तो हो गया ऑन टू, अच्छे से सीखना, ऐसे प्रीपोजिशन होता है, जैसे विद मतलब होता है साथ, साथ, ठीक है, और इन मतलब होता है में, ठीक है, साथ में, तो यही विद प्लस इन जोड़ जाता है तो हो जाता है विद इन, विद इन, तो अच्छे से सीखना भाई, ऑन टू, अप टू, विद इन, विद इन, आपका कहां गया अपॉन, ये सब जितना सारा है, ठीक है, ये सब टोटल का टोटल,
ठीक है, इसको कहते हैं COMPOUND, कंपाउंड ऑफ प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंड, ऑन टू, अप टू, विद इन, अपॉन, इन सबको कहा जाता है कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। और कंपाउंड प्रेपोजिशन तब सीखते हो जब आपको बेसिक प्रीपोजिशन का नॉलेज हो जाता है, तब सीखते हो कंपाउंड प्रेपोजिशन, क्योंकि अभी पता है ना, जैसे आप ऊपर गया मोशन के साथ, यहां जाके छलांग लगा के बैठ गया, तो हो गया आपके साथ बैठते हो क्या लगा, अप प्लस ऑन इज इक्वल टू क्या हुआ, अपॉन। फिर से देखो, टू मतलब था गति के साथ आगे बढ़ना, ऑन मतलब क्या होता, पर, तो आगे आकर के कहीं पे बैठ जाता है, तो ऑन प्लस टू इज इक्वल टू कौन सा होता है, ऑन टू, वैसे मतलब बिग प्लस इन इज इक्वल टू विद इन, तो ये सब कंपाउंड प्रेपोजिशन है आलो, ठीक है। तो आई होप कि इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड देन आई विल जिसको आप कहते हो एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट सेशन, यानी अगले दिन हम एक्सप्लोर इसका करेंगे, फिलहाल आज हम प्रैक्टिस ऑफ प्रीपोजिशन करवाने वाले हैं। किसी को कोई अगर दिक्कत है जितना सारा में, सबसे पहले हम करवा रहे हैं विद, विद, फ्रॉम और बाय, इन तीन में से किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी 10-12 एग्जाम्पल फटाफट वहां पे पुट करें, बताइए किसी को भी कोई दिक्कत है तो। दिव्यांशी श्री राजा भाई, ऑल ऑफ यू वेरी गुड आफ्टरनून, क्या बात है। अच्छा, ग्रामर गुरु लिख रहे हैं थ्रू का, अरे भाई थ्रू का तो आज ही बोला कि आज करवाएंगे थ्रू का, है ना, टेंशन नहीं लेना, हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक है, कोई गम नहीं। फ्रॉम का भी भाई, अच्छा फ्रॉम का तो कल यूजेस बताया था, काफी सारा यूजेस बताया था, ठीक है। आई होप प्रिंस कुमार फ्रॉम का वीडियो कल के डेट में मैं बताया था, या कल या एक दिन पहले, आप जाकर के एक बार देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, फिलहाल ले चलते हैं ना, वो कहता है क्या फटाफट कि किसकी मजाल है जो छेड़े इस दिलेर को, और किसकी मजाल है जो छेड़े इस दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, क्या बात है ना। प्रीपोजिशन वही है, तुम जितना पूछोगे उतना ज्यादा बताएंगे, तुम एक पूछोगे हम दो बताएंगे, अब ऐसा नहीं कि दो होगा नहीं तो कैसे बताएंगे, नहीं, है ना, एडवांस तक बता दें, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थ्रू पूछो या बाई पूछो या ऑन टू पूछो, हर एक प्रीपोजिशन बताने वाले, फटाफट आप सब रेडी हो जाओ फटाफट। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए है, अगर पेन कॉपी है तो वहां पर लेकर के ही बैठ जाना है, ठीक है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेशन बहुत मस्त क्लास होने वाला है, बहुत मस्त क्लास होने वाला है, ठीक है, तो फटाफट आप सब रेडी हो ना जी, क्या बात है, कहता है अरे कर वाह वाह सर, अच्छा ठीक है, हैप्पी हो, कर वाह वाह सर, है ना। चलिए हम बात करते हैं फ्रॉम का, है ना, बाई का, और एक आपका फ्रॉम है, बाई है और विथ है, तो फटाफट तैयार हो जाए। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन फटाफट है, राहुल रिटर्न और यहां पे लिखते हैं ABRO, यहां पे लिखते हैं बाय दिवे है नाइजीरिया। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड है रोहित हैज टू रिच देयर। नेक्स्ट आपका थ्री है, फटाफट देखना, वेंट देयर फटाफट। रानी लुक्स क्यूट कर्ली हेयर, Why are they off? कर दो जी, नहीं नहीं चलना है, नंबर सिक्स आपका है Thank you.
तो फटाफट आपके पास स्टैंड प्रीपोजिशन एकदम जल्दी जल्दी बनाइए फास्ट फास्ट। हैप्पी रोहित कह रहे हैं वाह वाह सर, चलिए आगे बताइए फास्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं होना, अगर दिक्कत हो गया तो फिर हम नहीं रहेंगे जी, फटाफट बनाओ एकदम फास्ट फास्ट। आज थोड़ा बात कम करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि कितना कितना आ रहा है, और लास्ट में मुझे टोटल काउंट करके बताना जी फटाफट एकदम फास्ट फास्ट, है ना, जितना भी आए अभी छिपा करके रखना ठीक है। वैसे यहाँ पे आएंगे जब ये सॉल्यूशन दे देंगे तो फटाफट लिख देना मेरा 9 सही है, मेरा 5 सही है, मेरा 6 सही है, फटाफट एकदम फास्ट फास्ट बनाइए। अच्छा ये यशवंत राज बोल रहे हैं कि वन में फ्रॉम होगा। यशवंत आपसे मेरा एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, संजय कुमार कौशिक भी कह रहे हैं आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, है ना, 2 मिनट के अंदर हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो फटाफट है ना फटाफट जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम आया वो आप पुट कर दो वहां पे फटाफट। सर मेरा 3 में डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी डिफिकल्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वैसे सॉल्यूशन फटाफट अभी देने वाले हैं। चलिए आलोक कह रहे हैं फर्स्ट में फ्रॉम होगा, 2 में बाय, बिल्कुल सही है। संजय कुमार का भी सेम है, दिव्यांशी श्री का तो कहना नहीं है, लास्ट तक सही है दिव्यांशी का सही है, और आलोक का क्वेश्चन नंबर 10 गलत है जी, है ना। संजय कुमार का भी क्वेश्चन नंबर 10 सही है, श्रावणी का भी फर्स्ट से लेकर करके आई होप की 2 मिस्टेक है। आलोक राज नियर सर कह रहे हैं भैया मेरे जब फ्रॉम बाय और विद लगाया तो नियर कहां से आ जाएगा, आलोक फटाफट बताओ एकदम फास्ट फास्ट, कोई दिक्कत नहीं होना है, अभी 2 मिनट में हम आपका सोल्व कर रहे हैं फटाफट, है ना, सेशन को शेयर करो। अच्छा आपके कारण अगर कोई दूसरा स्टूडेंट सीख जाए, आज कोई लाइक नहीं मिला अभी तक, है ना, और सब्सक्रिप्शन का तो लिंक देखने के लिए हम बेहाल रहते हैं, कोई भी नया स्टूडेंट हो मुझे मौका मिल जाता है देखने के लिए, आपका जो सब्सक्रिप्शन आता है ना स्क्रीन पे बहुत मजा आता है सच सच्ची में। फटाफट कोई अगर हो तो आप शेयर करो वहां पे, सब्सक्राइब करो देखो फटाफट जल्दी जल्दी, चलिए ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है। आलोक राज कह रहे हैं मेरा आलोक आपका थोड़ा पीछे हो गया, आई होप कि सही ही बनाए होंगे, है ना, अभी तुरंत सॉल्यूशन दे रहे हैं फटाफट फटाफट जी, हाँ जी 8 मिनट में आपके पास लौट रहे हैं फटाफट, है ना, बिल्कुल सपोर्ट करो, है ना, आप देखो आपका सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है, अगर ऐसे ऐसे हालात रहा ना तो बड़ी जल्दी बाबा बन जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी आ गया है, चलो ठीक है फिर भी आप कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हो, चलो ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, है ना, सपोर्ट करें, है ना, आपका साथ अगर मिलेगा तो बहुत आगे तक पहुंचेंगे। आलोक कह रहा है मेरा, आलोक आपका भी देख रहे हैं देख पा रहे हैं, हाँ फटाफट आगे बढ़िए, चलिए हम बताते हैं फास्ट फास्ट बनाए जी, बता दें आप लिखो पीएफ फिर हम बता रहे हैं, फास्ट फास्ट लिखिए पीएफ बताने वाले हैं फिर से फास्ट एकदम फास्ट लिखिए। अंकिता सुमन आपका 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, और लास्ट 10 भी सही है, दिव्यांश श्री ने लिख दिया पीएफ, कोई श्रावणी भी आलोक भी लिख दिए पीएफ, चलिए कोई बात नहीं। नैन्सी कुमारी अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, राखी राखी रुपरल, अरे कैसा नाम आता है राखी रुपरल, अच्छा क्या बात है, आयुष रुपरल है जी, चलिए ठीक है चलिए बताते हैं देखेंगे फटाफट। राहुल रिटर्न, नाइजीरिया कोई कंट्री है तो ये आपका ओरिजिन हुआ, कोई भी जगह को छोड़ कर करके जब आगे बढ़ता है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, फटाफट देखना। रोहित हैव टू रीच देयर, मंडे जो है ये टारगेटेड टाइम है, टारगेटेड टाइम है, तो जब भी कोई टारगेटेड टाइम रहता है कि तुमको यहां इस समय तक पहुंचना है, तो तक के लिए आता है कौन सा, बाई आता है यहां पर। नेक्स्ट है ही वेंट देयर बैग एंड बैगेज, कहते हैं बोरिया बिस्तर के साथ चला गया, बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर, जिसको हम स्कूल में कहते हैं ढेरमा ढेरिया, है ना, वही होता है बोरिया बिस्तर ढेरमा ढेरिया, है ना, यानी अगर 3-4-5 बच्चे हैं सबको गोलू मोनू सोनू रोहित सबको लेकर के चला गया, ठीक है फटाफट देखना यहाँ से, तो यहाँ कहते हैं ही वेंट देयर विद ढेरमा ढेरिया, यानी यहाँ पर होगा कौन सा जीत विद, है ना, साथ लेकर के चला गया। नहीं सर रानी लुक्स क्यूट हर कर ली है, आपको बताया था कि जो आपका फ्रॉम होता है ना, जो आपका विथ होता है विथ और एक होता है फ्रॉम, तो विथ कहीं ना कहीं आपका नॉन लिविंग के लिए आता है जी, नॉन लिविंग के लिए आता है, तो नॉन लिविंग के लिए सेंस में देखो आपका कर्ली है, वो बड़ी क्यूट दिखती है लुक किसके साथ में, तो बाल उसके साथ ना है जी, तो स-
साग है तो विथ लगाएंगे. सेम क्वेश्चन है, व्हाई आर दे कमिंग, कहां से आ रहे हैं? तो जैसे पहले ओरिजिन था वैसे यहां पर भी ओरिजिन है, तो यहां से लगा देंगे श्रीलंका से आ रहा है. सी वेंट देयर है ना, किसके जरिए गया भाई, किस चीज के द्वारा गया? तो वहां हम लिखते हैं बाई, लिखते हैं प्लेन. यहां से लिखते हैं, देखिए बाई है तो यहां से देखिए बाई लिखेंगे फटाफट. नेक्स्ट है, ही इज स्टैंडिंग विद देयर, क्या एक डिवाइस है ना, चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके साथ वो खड़ा है? तो एक बंदूक के साथ में, तो यहां पर लिख देंगे विद, क्योंकि बंदूक उसके साथ में है. नेक्स्ट, ही इज नॉट विटेड, इज प्लस भित्रीय, इज प्लस आपका भित्रीय पैसिव, तो पैसिव के लिए लगाएंगे कौन सा भाई? तो यहाँ पे बाई लगा देंगे. नेक्स्ट है, डोर इज मेड, किस चीज से बना हुआ होता है दरवाजा? तो लकड़ियों से, तो लकड़ी साथ में है ना जी, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम. और लास्ट आपका है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, तो ही प्रिवेंटेड किसको मना किया जी, है ना, किससे, वहां जाने से. तो ये अगर यहाँ है और वहां चला गया तो यहां से वहां गया तो क्या, वहां कहीं ना कहीं जगह को छोड़ दिया ना, तो छोड़ कर चला गया. तो यहां से वन से लेकर के 10 तक में किसी को प्रॉब्लम कोई है? मिस्टर जॉम्बी, वेल डन मिस्टर जॉम्बी, वेरी गुड स्टूडेंट. आई होप द नेम इज आई मीन ही हैज टेकन अ नेम फ्रॉम नाइजीरिया और नाइबीरिया. मिस्टर जॉम्बी, क्या बात है, ठीक है. मिस्टर जॉम्बी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मुंबई, है ना, चलिए ठीक है. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है. श्रावणी ने कहा, आदित्य ने कहा, मेरा 9 सही है. संजय कुमार कौशिक कह रहे हैं आई मेक ऑल राइट. अच्छा, संजय कुमार कौशिक है कौन भाई, थोड़ा नेम बताएंगे, है ना. आई होप कि कहीं वो कहां से भाई. नैन्सी कुमारी 1 रॉन्ग है. आलोक राज 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपीट करें. अच्छा ठीक है. हैप्पी रॉय यादव कह रहे हैं ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर. देखिए आलोक, अच्छे से देखिए, यहाँ है इसको कहते हैं हेयर और वहां है इसको कहते हैं देयर, तो कहते हैं वो मुझे वहां जाने से रोक दिया. तो से है ना, यहां से वहां, तो देखेंगे ये ओरिजिन हुआ, ये आपका ओरिजिन हुआ, ठीक है. तो यहां से वहां जाने के लिए, तो ये ओरिजिन है, इसको छोड़ करके आगे चला गया, इसलिए हम फ्रॉम लगा दिए. चलिए, कोई और किसी को कोई प्रॉब्लम है फटाफट. 9 क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहे हैं, रिपीट करिए. डोर इज, किसी चीज को फिर से बताते हैं, जब स्टेट बदल जाए. अच्छे से सीखना जी, अच्छे से सीखो फटाफट, अच्छे से सीखो फटाफट. जैसे कलर है या अपीयरेंस है, कलर है या अपीयरेंस है ना, ये सेम रह जाता है. कलर, अपीयरेंस या टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट है ना, ये तीनों अगर सेम है कोई भी ओके, तो आपका कहीं ना कहीं आपका लगता है फ्रॉम, से का मीनिंग देने के. लेकिन स्टेट अलग हो गए, स्टेट मतलब होता है जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सब में चेंजिंग आ गया, स्टेट चेंज हो गया, तो यहां से इनटू लगाते हैं. अच्छे से देखना है, जैसे है ना, और पेपर, तो देखो पांच से वाटर लिक्विड, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुआ तो इंटू लगाते हैं, लेकिन सेम स्टेट में रहे. अच्छे से बताइए, आप किसी को कोई दिक्कत है? कार्ड भी देखो लिक्विड है, मिल्क भी क्या है, लिक्विड है, चेंज किया हुआ टेस्ट, कलर या अपीयरेंस, तो वहां के लिए हम फ्रॉम लाते हैं. चलिए बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो, ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट 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 फास्ट. किसी को भी कोई अगर दिक्कत है तो बताइए एकदम फास्ट फास्ट. चलिए ठीक है, फटाफट एकदम, कोई दिक्कत अगर है किसी को तो बताइए फास्ट फास्ट. किसी को भी कोई अगर दिक्कत है तो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो आप लिखो पीएफ, ताकि मुझे पता चले कि आप सब कहीं ना कहीं है ना पढ़ पा रहे हो. फटाफट सेशन को शेयर करो एकदम फास्ट फास्ट, है ना, फटाफट एकदम सेशन को शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. एकदम सेशन को शेयर करो भाई, शेयर करो फटाफट. अरे जो भी न्यू स्टूडेंट हो कहीं ना कहीं एकदम शेयर करो एकदम फास्ट फास्ट, कोई दिक्कत नहीं होना है. मजेदार मजेदार प्रॉब्लम आज बताने वाले, फटाफट देखना नेक्स्ट, है ना. देखो बेटा कहीं ना कहीं टीचर्स आपके साथ मेहनत करता है तो आपका भी कहीं ना कहीं ये ड्यूटी बन जाता है फटाफट, है ना. स्कूल में ये सब नहीं करने को मिलेगा, फटाफट देख लो अच्छे से नेक्स्ट. अरे कोई भूख नहीं बेटा, कोई भूख नहीं है कि एकदम भूख से छाप दिया, रे भाई कुल्लम कुल्ला है, आम वेरी कुल्लम कुल्ला, फटाफट एकदम पढ़ो ना एकदम ग्रामर पढ़ो कुल्लम.
बिल्कुल ला लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। कोई भी क्लास का कोई स्टूडेंट एकदम सीखे, कोई एकदम मस्त तरीके से सीखे। स्कूल में फिर ग्रामर कहाँ होगा यार, है ना, फटाफट मेरा होगा तब होगा, किसी का नहीं होगा, फटाफट। नेक्स्ट आपका है वो लिखना है कि बेटा फटाफट देखना, आपको सिंस यूज करना है, आपको आपके लिए इन है, आपके लिए फोर है और आपके लिए आफ्टर है, टाइम के रिफरेंस में, टाइम के रिफरेंस में, है ना, सब टाइम शो करता है। एक दिन बताया था, आप देखो यूज करके फिर हम बताते हैं फटाफट। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, राजू ऑलवेज गोज देयर फटाफट, आई विल रीड, नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट, एकदम फटाफट, दिक्कत एकदम नहीं होना है। चलिए फटाफट है, तो आपके पास कहीं ना कहीं हम शांत अगर हो गए, आई एम न्यू हेयर एंड आई एम वरीड अबाउट दैट यू हैव लेफ्ट अ लॉट, आई हैव लेफ्ट अ लॉट बिहाइंड। मिस्टर जॉम्बी कैन यू प्लीज टेल मी इन दिस क्लास यू आर जस्ट, कौन सा क्लास में भी हो आप, फटाफट फटाफट, मिस्टर जॉम्बी यू हैव नेवर लेफ्ट,
वंस यू आर फीलिंग लाइक यू हैव लेफ्ट अ लॉट बिहाइंड यू कैन गो जस्ट इन माय लिंक एंड ऑल्सो स्टडी ऑल दोज थिंग्स. और कौन कौन है फटाफट. चलिए ठीक है, लोग कह रहे हैं वन का फोर है, टू का फोर है, वन का भी फोर है और टू का भी फोर है. आलोक फटाफट देखो, आपका वन ही गलत है, आपका वन ही गलत है. मंतु कुमार कह रहे हैं थ्री में आफ्टर फोर में इन, फाइव में आफ्टर सिक्स में फोर. क्या बात है, सिक्स में फोर होगा, सिक्स में आपका आफ्टर होगा. मिस्टर जॉम्बी कह रहा है फर्स्ट में इन है और लास्ट में इन है. मिस्टर जॉम्बी बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो आप, जिस क्लास में भी हो फर्स्ट भी सही है लास्ट भी सही है. तो फटाफट है ना जॉम्बी, आप बताया नहीं कि कौन सा क्लास में. कोई बात नहीं सर, ऑफिशियल्स कह रहे हैं एसकेआर ऑफिशियल्स फर्स्ट में भी है और इन लास्ट में भी है. इन टू देखिए आपका गलत है. यशवंत राज इन टू का कोई सिंबल ही नहीं दिया भाई, इन टू का कहीं कोई सिंबल नहीं दिया है ना. टेंथ में हो मिस्टर जॉम्बी, चलिए ठीक है, बट यू हैव तो फटाफट आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाना और मिस्टर जॉम्बी आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को तो अच्छा लगेगा. आलोक सर आप नंबरिंग देने में गलती कर दी. अच्छा ठीक है भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है. अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक होता है भाई, एट है, नाइन है, टेन है और अलेवन. ठीक है जी फटाफट, अच्छा लग रहा है भाई कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होता है भाई. ठीक है आई डिड इट, तुमने कर दिया फटाफट. कोई सब्सक्राइब आज कहीं ना कहीं आज किया है. चलिए ठीक है फटाफट, मिस्टर जॉम्बी वेल डन, बहुत बढ़िया. अरुण कुमार सिंह का फर्स्ट में इन है और अलेवेंथ में भी इन है. चले दिव्यांशी श्री फर्स्ट में फोर लगा दिए, दिव्यांशी आपका गलत हो गया लेकिन लास्ट आपका सही है. प्रिंस का तो बहुत बढ़िया है जी, फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है और टेंथ भी सही और इलेवेंथ भी सही है. अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से सीख पा रहे हो, बहुत अच्छा सीख पा रहे हो है ना, यही उम्मीद है. अच्छा लग रहा है श्रावणी श्री मेरा श्रावणी आपका तो दिखा ही नहीं. श्रावणी श्रावणी हाँ फर्स्ट में इन है ठीक है और लास्ट में भी इन है ठीक है, सेकंड में आपका इन सेकंड में आपका फोर है, बिल्कुल गलत है आपका है ना. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक की है बट सही है. चले ठीक है, ये सूरज प्रियदर्शी फर्स्ट में इन लगा रहा था लेकिन आई ही लिख पाया. चलिए कोई बात नहीं, चलिए बता दे फटाफट देखना, अच्छे से देखना भाई. सिंस जो होता है सिंस है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है. ठीक है फटाफट देखना, फोर के लिए लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. आफ्टर जो आता है जनरली पास्ट में लगता है ठीक है, और इन प्रेजेंट को बताता है. राजू ऑलवेज गोज देयर अमन, अब बताइए फोर एमन चलेगा क्या, सिंस एमन चलेगा क्या, कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि फोर और सिंस का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट में फोर तो करते ही है, सिंस वहां नहीं करता ठीक है. तो कहीं ना सिंस के बिहार में वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं. तो ये तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं था, तो बचा था आफ्टर, आफ्टर हमेशा प्रेजेंट में नहीं होता, पास्ट और फ्यूचर में चलता है. आई विल रीड इट आफ्टर राधा है ना, हम इसे पढ़े, मैं इसे पढ़ूंगा आफ्टर राधा, यानी राधा के पढ़ने के बाद मैं इसे पढ़ू. व्हेन विल यू रीड इट, तो कहेंगे आफ्टर राधा, कब पढ़ोगे तो राधा के बाद पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आफ्टर लगा दो. बहुत मजेदार ये आपका मिसाइल था, फटाफट नेक्स्ट देखना. He has been singing this song. दिवाली आपका क्या है जी, तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो लगाओ सिंस. नेक्स्ट है जी, कहता है Why do you go there here? आप क्यों जाते हो वहां, कब भाई कहां जाते हो, कितने में जाते हो, तो जब भी ए ईयर रहे, इन अ ईयर होता है, इन अ मंथ होता है, इन अ डे होता है, इन अ वीक होता है, इन अ डिकेड होता है, इन अ सेंचुरी होता है ठीक है. तो यहां से भी लगाओ इन, देख लो ये कहीं आपका और भी तो नहीं है जी, देखो यहां पर भी आपका इन लगने वाला. नेक्स्ट ही रिटर्न, वो लौट गया क्यों भाई, कहता है ही रिटर्न, आप वहां गए थे लेकिन अगर कोई पूछ रहा है वेन यू विल रिटर्न हियर, तो कहोगे आफ्टर रेन ठीक है, मतलब बारिश खत्म हो जाएगी ना उसके बाद मैं लौटा, तो भाई कहता है बारिश के बाद मैं लौटा ठीक है, तो आफ्टर यहाँ पे लगा दो फटाफट. नेक्स्ट है ही हैज हार्ड इट, देखो भाई हियर जो आपका है
वो आपका एक स्पेशल वर्ब है जिसको आप कहते हैं कौन सा स्टेटिव वर्ब कहते हो। स्टेटिव वर्ब में भी आपका कौन सा ये है तो कौन से आपका परसेप्शन कहते हो गया, तो इसका फोर्थ फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते हो, तो थर्ड फॉर्म लगाया तो कहते हैं ए लॉन्ग टाइम मेनी टाइम मेनी आवर्स। यहाँ पर फोर लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है। राखी कॉल्ड हर है ना, कहते हैं राखी ने उसे बुलाया, कहते हैं डिलीवरिंग स्पीच। डिलीवर स्पीच मतलब होता है स्पीच देना, भाषण देना, तो कहता है राखी ने उसे भाषण देने के बाद बुला लिया, कि भाषण देने के समय बुलाया नहीं पता चल रहा है ना, तो भाषण दे। यहाँ पे फोर लगा के देखो कुछ नहीं पता चलेगा, सिंस लगा के देखो कुछ नहीं पता चलेगा, इन तो कभी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन सा आएगा भाई आफ्टर बिल्डर, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट ये भी आपका मिसाइल से कम नहीं था। नेक्स्ट मनोज हैज बीन इन, कब से भाई तो मे से, तो सिंस लगा दो ना क्योंकि आपका क्या है तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम था, पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट कहता है he has been playing cricket 10 years change is 10 में, देखो ना भाई डिजिट आपका डिजिट के लिए आपका 4 आया है। नेक्स्ट यू वेट देयर, इवनिंग है भाई इवनिंग है, कब गए भाई तो कहता है कब गए तो कहता है शाम के बाद गए, क्योंकि आप लगा दो यहाँ पे इन लगता है सी, इन अगर लगाओगे इन तो इन के साथ आपका द आना चाहिए था, फटाफट गलत है ना, तो आप इन नहीं लगा सकते थे तो यहाँ पे आफ्टर लगा दो, बहुत मजेदार है। नेक्स्ट जी लास्ट में तो बता ही दिया सूरज नेवर कम्स इवन वंस, सूरज कभी नहीं आता है, यहाँ तक महीने में एक बार भी नहीं आता है, तो एक बार भी नहीं आता है, देखो टाइम के लिए यहाँ पे लगा। बताइए इन 10 में किसी को भी कोई दिक्कत है, मैं ये राधा के लिए पढ़ूंगा, मैं ये राधा, तो यहाँ पर यूज फोर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ मिस्टर जॉम्बी आपका कहना बिल्कुल सही था, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू सोल्व ऑल दोस क्वेश्चन इन रेफरेंस टू टाइम, ठीक है। एक प्रीपोजिशन का अलग अलग रीजन से यूज होता है मिस्टर जॉम्बी, बट क्या है ना कि यहाँ पर जो है टाइम के रेफरेंस में, और वहां जो आप पढ़ा रहे थे ना आप बना रहे थे फोर, तो वहां पर फोर होता है के लिए के सेंस में, ठीक है। तो एक प्रीपोजिशन का एक यूजेस के पहले सीख लो, ठीक है, टाइम के रेफरेंस में ये सारा प्रीपोजिशन बता रहा था। मिस्टर जॉम्बी समझ आ रहा है, चलिए आदित्य राज का रहा 10 out of 10, वेल डन आदित्य राज। सर 10 में सिंस नहीं होगा, 10 में सिंस कैसे होगा, देखो सिंस का जो यूज होता है अच्छे से सीखना भाई, सिंस का और फोर का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में, और यहाँ पे ए लगा हुआ था, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, उसके बाद यहाँ देखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आई होप कि आप सब बड़े मजे मजे में सीख रहे हो, चलिए है ना, आई मेक एट राइट है, ठीक है, सबका समझ आ गया, कोई किसी को अगर कोई दिक्कत है, मिस्टर जॉम्बी समझ गया, ठीक है। चलिए और किसी को भी कोई समस्या अगर नहीं है तो मेरे को लिखो पीएफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सूरज प्रियदर्शी कह रहे हैं 8 out of 11, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सूरज, आई मीन कि अच्छे से सीख पा रहे हो, सबको सीख पा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आप एकदम अच्छे से सीख रहे हो। सूरज प्रियदर्शी ऐसा प्रैक्टिस सेशन कभी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए फिर से नेक्स्ट लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, क्योंकि डेली जब यूज बताएंगे ना तो उसका प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होता है जी, ठीक है। तो आई होप फटाफट आप देखोगे फटाफट नेक्स्ट जो यूज कर रहे हो अच्छे से सीखना भाई फटाफट। नेक्स्ट है जो आपका है फटाफट देखना, वो आपका है नियर है, फिर आपका बिसाइड है, कल का जो पार्ट था वही बताए फास्ट बिसाइड से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए जी, अगर दिक्कत हो गया तो नहीं कह सकते। Thank you.
सो कम ऑन फर्स्ट फटाफट, कहीं ना कहीं आपके लिए जब दे रहे हैं फटाफट तो आप बिल्कुल सही, आई एम कंफ्यूज्ड इन बिटवीन डिसाइड एंड डिसाइड्स। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन आपका बहुत जल्दी हम दूर करने वाले हैं। पीछे वाला वीडियोस मेरा है, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है जी, है ना, वहां पे जाकर के देखना भाई। ऐसे हम बताएंगे, आज भी बताएंगे आपकी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले आप मेरे को बना करके दिखा दो कि किसका कहां पर कौन सा मिस्टेक होने वाला, एकदम फास्ट फास्ट वन टाइम भी और देने वाले, काफी प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस आज करवाने वाले हैं फटाफट एकदम। सो कम ऑन फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट बनाइए जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए फास्ट फास्ट, अच्छा सेशन को तो शेयर करो फटाफट, सेशन को शेयर करने में क्या दिक्कत है जी। I'm confused between beside and besides. कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। चलिए आज थोड़ा कम है भाई, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। अरे जैसे हम अभी आपके बीच है, ऐसे अगर मेरे टीचर हुआ करते थे ना। चलिए दिव्यांशी वन में नियर है, क्या बात है, दिव्यांशी का तो फर्स्ट ही सही है और टेन भी नियर है। ओ हो दिव्यांशी, संजय कुमार कौशिक कह रहे हैं वन में नियर है और लास्ट में भी नियर है, क्या बात है। अच्छा कोई देख करके तो नहीं बनाते हो जी, फर्स्ट और लास्ट नियर है आलोक, वन नियर टू बी साइड्स थ्री बी साइड्स, क्या बात है। ये तो आलोक का बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है आलोक आपका ही देख रहे हैं, बी साइड सिक्स में नियर है, सिक्स में नियर है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेवन में भी नियर है, सेवन में आपका नियर है, नियर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आलोक, आप काफी हद तक आप में इंप्रूवमेंट मैंने देखा है, ठीक है। दिव्यांशी श्री का तो कहना ही नहीं है, दिव्यांशी आई होप कि एक मिस्टेक लग रहा है मुझे, पता नहीं अभी जब सॉल्यूशन देंगे तो आप मैच करना, बस एक मिनट में लौट रहे हैं। श्रावणी श्री कह रही है मेरा बताइए, अच्छा वन में नियर है और लास्ट में नीट लिखे हैं, हालांकि नियर ही लिखना चाहिए था, वो नियर ही लिखे हैं, टू में बिसाइड थ्री में बिसाइड फाइव जो है आपका नियर है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग। यशवंत राज वन में नियर है, टू में बिसाइड थ्री में बिसाइड है, फोर में आपका बिसाइड है ना, अच्छा लग रहा है यशवंत, बहुत अच्छा बना रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन आपके कदम को चूमेगी। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी रोय यादव का कहना है फर्स्ट में नियर है, सेकंड में बिसाइड है, सेकंड आपका गलत है, थर्ड आपका सही है, फोर्थ आपका सही है, फिफ्थ आपका सही है, लास्ट भी आपका सही है। प्रिंस कुमार फर्स्ट में नियर है, टू में बिसाइड है, थ्री में बिसाइड डिजायर्स लिखते हैं जी, क्या क्या लिख दिया जी प्रिंस, लगता है डिसाइड्स के जगह पे है ना भाई मिस्टेक, डिजायर्स लिखा गया, चलिए सही है, हर जगह डिसाइड्स लिखा, पता नहीं प्रिंस आपका पता नहीं है क्या है, आप कैप्स लॉक लगता है ऑन हो गया आपका, पता नहीं क्या क्या लिख दिए हो, चलो ठीक है फिर भी सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब इस सेशन को पूरे के पूरे सेशन को कभी भी स्किप मत करना, कभी भी जब हम आ जाए लाइव तो कभी स्किप मत करना, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मौका मिलता है आप सबको पढ़ाने के लिए, आपको सौभाग्य नहीं मिलता है, मुझे सौभाग्य कि आप सबको मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है तो फटाफट टू में भी साइड्स, वेल डन है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, शेखर ऐसे बनाते रहो। चलिए ठीक है, चलिए अब बनाते हैं, किसी को कोई दिक्कत है किसी प्रॉब्लम में तो बताना, बाद में पहले हम सॉल्व कर देते हैं उसके बाद आगे बताना, ठीक है चलते हैं तो फिर बताते फर्स्ट फर्स्ट। चलिए ठीक है, कहता है ही वेंट हिज हाउस, देखिए भाई एक घर यहाँ है एक घर यहाँ है तो थोड़ा सा डिस्टेंस आया ना जी, तो जब थोड़ा सा डिस्टेंस आता है तो नियर लगाते हैं, और एक यहाँ एक यही है तो इसको कहते हैं बगल में, तो जब बगल में आता है ये सर्कल आता है तो इसको कहते हैं बिसाइड, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ही वेंट है, ही हाउस है तो नियर लगा दो। नेक्स्ट है कहता पेन ही हैज मेनी कॉपीज, कहता है एक पेन के अलावा उसके पास कई एक सारा कॉपी था, तो के अलावे या के अतिरिक्त एडिशनल वन के लिए हम लगाते हैं बिसाइड्स। अच्छे से सीखना भाई, जॉम्बी मिस्टर जॉम्बी अच्छे से सीखो, जॉम्बी से आप अच्छे से सीखना, बिसाइड्स का यूज तब करते हैं जब कोई एडिशनल एडिशनल वन जिसको कहते हो अतिरिक्त है ना हिंदी में कहते हो के अलावे, कहता है एक पेन के अलावे उसके पास कई एक सारा कॉपी था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, इन हिज बैग दे आर मेनी पेंसिल्स,
besides, है ना, यहाँ पर तो देखिए besides a pen है, कहता उसके बैग में pencils, कहता एक पेन के अलावे कई एक सारा pencils भी था। Next है राहुल came here and sat, राहुल यहाँ आया और sat, बैठ गया मेरे बगल में, यानी मेरे पास बैठा। तो मेरे पास बैठा बहुत ज्यादा दूर नहीं, ऐसा तो नहीं है एक यहाँ बैठा और एक 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 फीट या चार फीट के बाद बैठा, ऐसा तो नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन में नहीं होता भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझ लो कोरोना का इंपैक्ट पड़ गया तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखा देना, नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं दिखाना, ठीक है। तो यहाँ सैड और यहाँ पे कर देना बिसाइड, नहीं सर जी। चलिए, ही इज नॉट स्टैंडिंग, कहता वो नहीं खड़ा है राधा के बगल में, वो नहीं खड़ा है जी, ठीक है, राधा से दूर नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस का नहीं होता, यहाँ पे बगल का है तो इसलिए बिसाइड लगाइए। नेक्स्ट है, Have you not reached, है ना, that school, क्या आप उस स्कूल के निकट नहीं पहुंचे जी, तो उस स्कूल के पास यानी नियर है, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे आगे फटाफट देखोगे। My house is not very near, near to राधा, मेरे घर जो है राधा के बिल्कुल नजदीक नहीं है, फटाफट। Sitting कहता है sitting beside, यहाँ पर एक चीज गलत कर दे भाई, यहाँ पे मी लगा देना, मेरे से मिस्टेक हो। Sitting beside me, she surprised and had that. मेरे पास में वो बैठी और बैठने के बाद एक कौवे को उसने देखा और बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, अरे कौवा वो ऐसे करता है, अरे भैया कौवा वो ऐसे करता है, ठीक है, beside यहाँ पे लगा देना। कहता है saint है, saint मतलब था साधु, कहता है एक साधु के अतिरिक्त मैंने कही एक सारा बौद्ध भिक्षु, तो बौद्ध भिक्षु के लिए आता है monk, ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ besides ना, फटाफट। नेक्स्ट है राधा वेंट, है ना, वेंट कहता नियर बाई मतलब होता पास में, है ना, मेडिकल, टू टेक मेडिसिन, राधा पास में एक मेडिकल गई दवा लेने के लिए। तो बताइए इन सब में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो फटाफट बताइए। प्रिंस कुमार 7 नियर 8 बिसाइड डिजायर्स, आ डिजायर्स क्यों लिख रहे हो प्रिंस, समझ नहीं आ रहा डिजायर्स लिखते हो जी। चलिए ठीक है, फटाफट बताइए, किसी को कोई अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे दे रहे हैं फटाफट। किसी को इतने में से टेंथ में कोई प्रॉब्लम आई, अरे हैप्पी रो यादव कह रहा आई मेक ऑल राइट, क्या बात है यार, अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिंस कुमार कह रहे हैं 9 सही है। सूरज प्रियदर्शी, अच्छा सूरज को तो लगता है कितना जल्दी सर आगे बढ़ जाए, कभी मौका नहीं देता है सर आप रुको एक मिनट रुक जाओ, है ना। दिव्यांशी आई मेक ऑल राइट, दिव्यांशी पर तो गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ दिव्यांशी, दैट आई एम द टीचर ऑफ दिव्यांशी, ठीक है ठीक है। नैन्सी आगे कह रहे हैं, आलोक कह रहा है आई मेक 9 राइट, वेल डन, चलिए ठीक है। सूरज प्रियदर्शी पीएफ सर ठीक है, आलोक राज भी कह रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते फटाफट देखो नेक्स्ट देख रहा फटाफट, अच्छा लग रहा मुझे, है ना, सेशन को शेयर करते रहो फटाफट देखना। नेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट देखना। फटाफट अब की जो बता रहे हैं ना वहां पे आपका है फटाफट, ऑन है, अपॉन है, अबव है, ओवर है, फटाफट, ठीक है। तो इतना ही आपको फिल करना है फटाफट। तो फर्स्ट सेंटेंस देते हैं, देयर इज लाइंग माई बुक, फटाफट, He is not sitting. He is not sitting. There is a breeze. Satluj. फास्ट फास्ट बनाना है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं करना है।
एकदम फास्ट फास्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये आपका मिसाइल है, फटाफट नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दे रहे हैं, फटाफट देखना। तो फटाफट आप जल्दी से बनाइए, ये बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है, फटाफट। आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक बट मेड इट राइट ऑल्सो। क्या बात है मिस्टर जॉम्बी। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रैक्टिस सेशन एवरीवन डू द सेम दैट यू आर डूइंग, सो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड कैरी विद स्माइल। ठीक है, फटाफट चलिए, ठीक फटाफट एकदम फास्ट फास्ट। फटाफट अगर ऐसा 40-50 के आसपास अगर पोजिशन आप डेली प्रैक्टिस करोगे, खास करके जब हम बताएंगे, अपने से बताएंगे, कोई बुक वगैरह का बुक, जितना बुक में आप जाओगे ना उतना दिक्कत होने वाला है। राजा भाई कह रहा है वन का पॉन है और लास्ट का आपका ऑन है। ओ हो राजा, बहुत गजब। सुमंत का वन का ऑन है, टू का भी ऑन है और लास्ट का भी ऑन है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्यांश श्री ऑन ऑन और लास्ट में भी ऑन। नैन्सी कुमारी ऑन ऑन लास्ट में भी ऑन। संजय कुमार कौशिक वन, अरे आपका प्रीतिका आपका गलत है, टू आपका गलत है, लास्ट आपका सही है। आलोक राज कह रहे वन में ऑन, टू में ऑन, थ्री में अबव, क्या बात है। देखिए थ्री में आपका गलत है आलोक, बट लास्ट आपका सही है। गौतम ये ग्रामर गुरु, भैया ग्रामर गुरु आप भी हो, चलो अच्छा लग रहा है मुझे, टेंथ का ऑन होगा, बिल्कुल सही है, जो भी हो। अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये अच्छा नहीं लगता है ग्रामर गुरु जो भी हो, है ना, थोड़ा सा अपना जो भी है ये चेंज करके देखना अच्छा लगेगा। आप अपना कुछ बढ़िया सा नेम लिख देना, ठीक है। आलोक मेरा, आलोक राज मेरा कह रहा आपका सही है, एक मिस्टेक था वो आपका थर्ड मिस्टेक था। श्रावणी वन का ऑन और टू का आपका गलत है, श्रावणी टेन का आपका सही है। तो आई होप कि कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा बना रहे हो, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हो जी। यशवंत राज नाइन का अपॉन है, नाइन का अपॉन है, टेन का, वेल डन यशवंत, बहुत अच्छा, कैरी ऑन। अच्छा देखो बात बात में मैं एक तो बता, अरुण कुमार सिंह जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप काफी लेट हो भाई, आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं। वन का भी ऑन है, टू का भी ऑन है, लास्ट का भी ऑन है अरुण कुमार सिंह का। आई होप कि वन मिस्टेक है लेकिन सही है। राजा भाई आपका बता चुके थे, हैप्पी रॉय का कह रहा है वन का ऑन, हैप्पी आपका टू गलत है और टेन जो आपका वो बिल्कुल सही है। आई होप कि बिल्कुल सही है, एक मिस्टेक, एक या दो मिस्टेक लग रहा है हैप्पी, ठीक है। सूरज प्रियदर्शी मेरा आपका भी तो बताए थे जी, है ना, आपका भी तो बताया भाई, कैसे आप कहते हो आप पीछे चल जाते हो। सूरज प्रियदर्शी मेरा सर आपका भी बता दिया भाई, सब लोग कह रहे हैं सूरज प्रियदर्शी, अब ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर बताते हैं हम, है ना, और आप सबको फिर से कहीं ना कहीं एक बार फिर से लिए चलते हैं, अच्छे से समझना, कोई अगर दिक्कत हो तो फटाफट देखना, फटाफट। कहता देर इज लाइन ऑफ लाइन माई बुक, कहता मेरा बुक पड़ा हुआ, लाइन मतलब पड़ा हुआ रखा हुआ, जो भी बोलो फटाफट, ठीक है। ये देखो लाइन है और एक होता है लेन, इसका मतलब था लेटा हुआ, ठीक है, इसका मतलब पड़ा हुआ होता, ठीक है। तो एक होता है एल बाई और एक होता है एल ए बाई, ठीक है, तो इसका मतलब पड़ा हुआ होता है, ठीक है, लेटा हुआ इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा तो ऑन है, ही इज सिटिंग हर रूम, देखो भैया ये छत है ना, इसके ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर बैठा है,
कि ये छत है और यहाँ पर क्या नहीं नदी है, तो जब यहाँ रहता तो एबव होता, यहाँ तो है नहीं सटा हुआ है, तो यहाँ पे लगा दो ऑन, फटाफट देखना ऑन लगा दो। नेक्स्ट है देयर इज अ ब्रिज, यहाँ देखो दोनों सही है, दोनों सही है। जैसे देखो ये नदी है ना, अब इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक अच्छे से सीखना, जैसे ये नदी है ठीक है, तो ब्रिज ब्रिज जो बनता है कोई चीज को पार करने के लिए, इस सिरा से लेकर के इस सिरा तक ऊपर ही ऊपर, तो जब ऊपर ही ऊपर दोनों तरफ से गिरा है तो इसको आप ओवर भी कर सकते हैं, ठीक अच्छे से सीखना, इसको आप ओवर ही करोगे, इसको आप ओवर ही करोगे ठीक है। दो आपका आता है, एक और भी केस में आता है लेकिन अभी आपको वो बताएंगे नहीं क्योंकि उसका यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा, वो आपका कुछ और नहीं होता अक्रॉस होता है, हालांकि वो दूर की बात है। तो यहाँ पे लगा के देयर इज अ ब्रिज, कहाँ है काफी ऊपर, काफी ऊपर के सेंस में लगाते ओवर। नेक्स्ट है अ टाइगर सडनली पाउंस, पाउंस होता होता झपट्टा मारना, तो ठीक है ये टाइगर था ये झपट्टा मारा ऐसे ठीक है, तो ये गति में ये ऊपर गया और गति में है यहाँ पर आया ऑन, तो अप प्लस ऑन बराबर क्या हो गया जी अपॉन, तो यहाँ पर लिख दो अपॉन। नेक्स्ट ए बर्ड इज फ्लाइंग, कहाँ भैया ऊपर उड़ रहा है ना, काफी ऊपर उड़ सकता है, तो आप एबव तो लगाओगे नहीं भाई, ओवर द स्काई ठीक है। अगर यहाँ पे इन ऑप्शन रहता तो भी ये सही होता ठीक है आकाश में का सेंस, लेकिन आपका यहाँ पे इन का कोई नीड था नहीं क्योंकि बताया था कि एक प्रीपोजिशन के बिहाफ में भी दूसरा यूज होता है, कभी कभी यूज होता है। नाउ द टाइम इज ओवर, अब वक्त हो चला है ठीक है। देयर इज वॉकिंग अ कैमरा अबव इज इट, थोड़ा दूरी पर रियलाइज कर सकते, थोड़ा ही दूरी पर ये जमी है इतना दूरी रियलाइज कर सकते, जैसे आपके सर के ऊपर पंखा चलता है ठीक है, तो वो रियलाइज करते हो ना, तो रियलाइज करते थोड़ा दूरी पर, तो वहां पर हम लगाते अबव। नेक्स्ट है कहता है यू शुड ऑलवेज कैरी ऑन योर प्रॉब्लम, आपको अपना समस्या एकदम कहीं ना कहीं ढोना ही चाहिए ठीक है, तभी आपका कोई समाधान करेगा। तो एक तो ऐसे सिंपल सा बताया, कैट जंप फिर से, यहाँ देखो कैट है यहाँ देखो रैट है, ये देखो कैट है ये रैट है, ये ऊपर गया तो लगाएंगे आप, इसके ऊपर आ गया तो लगाएंगे आप, तो आप प्लस ऑन क्योंकि मोशन में है तो हो गया अपॉन, तो यहाँ पर लगाएंगे यू पी ओ एन अपॉन। लास्ट देयर इज केप्ट अ मार्कर ऑन माय पाम, देखो मेरे हथेली पर ऐसे ऐसे देखो ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑन। चलिए किसी को कोई समस्या अगर किसी में भी है फटाफट देखिए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए पास पर, किसी को भी अगर कोई समस्या अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बताओ फास्ट फास्ट। सूरज सुमंत राज कह रहा है चैनल हाँ जी पर भी हो सकता है, हाँ जी सही है फटाफट। नेक्स्ट आई मेक ऑल राइट है 7/10 है, आई मेक ऑल राइट है। अरुण कुमार सिंह जी कह रहा है 8/10 है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं दिव्यांशी ओ आम वंस अगेन प्राउड ऑफ यू दिव्यांशी, बहुत दिव्यांशी आप दोनों सिस्टर कहीं ना कहीं है ना अच्छे से पढ़ना अच्छे से सीखना, तो किसी भी कभी भी जिंदगी में आपको ये प्रीपोजिशन क्या जितना सारा ग्रामर में चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे कोई दिक्कत नहीं। यूज ऑफ अबव है ना, यूज ऑफ अबव का भी प्रीपोजिशन आपका लिंक दिया हुआ होगा, आप बना 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 करके देंगे कि कौन कौन सा पार्ट को कितने कितने में कहीं ना कहीं शेयर किया, चले कोई बात नहीं। तो फटाफट आपके लिए है ना डेली हम इस प्रकार से आते रहते हैं फिर से, तो वक्त हो चला है भूख भी लग गया आप सब कहीं कहीं है ना, कहीं ना कहीं खाना तो खा ही लिया होगा लेकिन अभी मैंने खाया नहीं क्योंकि आपको पढ़ाना था ठीक है। तो वंस अगेन आई विल सी यू टुमारो 12:30, सो वंस अगेन यू हैव टू कम 12:30 टुमारो, कीप स्माइल आल्सो स्टे होम कीप अदर्स आल्सो हैप्पी, थैंक यू हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वंस अगेन आई विल सी यू लेट यू टुमारो 12:30 30 30।